बांकुड़ा में जहाँ पे वो अपना मीटिंग्स करने वाले हैं, वो रविंद्र भवन के सामने हम खड़े हुए हैं। देखिए रविंद्र भवन का ये माहौल है जहाँ पे सिक्योरिटी एकदम पूरा तैनात किया गया है, और मैं अपना कैमरामैन को थोड़ा दिखाने के लिए कहूँगा। देखिए सिक्योरिटी किस तरह यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया गया है, किस तरह का सिक्योरिटी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल में लगातार जो पॉलिटिकल किलिंग्स हो रहे हैं, जिसके चलते पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी अमित शाह जी से मिले थे, और उसका बाद उन्होंने कहा था पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य बन चुका है जो टेररिस्ट का हब बन चुका है। लगातार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन लेके पश्चिम बंगाल में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में अपना जीत हासिल करना चाहता है, उसको लेके प्रिपरेटरी एक मीटिंग यहाँ पे है। और ये माना जा रहा है कि इस मीटिंग से बीजेपी आने वाले 2021 का विधानसभा चुनाव है उसमें अपना दौरा शुरू करने वाले हैं, अपना जीत की जो दौर है वो यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। लेकिन बात ये भी है कि लगातार पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से घटना घट रही है, जिस तरीके से तृणमूल बीजेपी का संघर्ष चल रहा है, बीजेपी कार्यकर्ता का हत्या हो रहा है। कल जब वो एयरपोर्ट में उतरे थे तब देखे थे कि जो वहाँ पे मदन घोराई का जो परिवार है, जिसका अभी तक बॉडी आरजी कर में 20 दिन हो चुका है, सेकेंड पोस्टमार्टम नहीं हुए, उनके परिवार उनसे मिले हैं। तो इस तरीके से जो घटना घट रही है, पहाड़ एक बहुत बड़ा इशू है इस बार बीजेपी के लिए, क्योंकि विमल गुरुंग जो है वो बीजेपी के साथ छोड़ के तृणमूल के साथ आए हैं। तो बहुत सारा ऐसा इश्यूज है जिसको लेके अमित शाह मीटिंग करने वाले हैं। यहाँ पे वो स्वराष्ट्र मंत्री है, वो यहाँ पे सीआरपीएफ के साथ मीटिंग करेंगे, बीजेपी का जो नेतृत्व है वो उसके साथ यहाँ पे मीटिंग करेंगे, जो यहाँ पे संगठन कैसे बनाना है उसके साथ मीटिंग करेंगे। क्यों यहाँ जगह चूज कर दिया गया ये अगर पूछेंगे तो ये बांकुड़ा जो है ये इलाके में 40 विधानसभा सीट है, जिसके अंदर 30 विधानसभा सीट बीजेपी के हाथ में है, 10 तृणमूल के हाथ में है। तो एक तरफ जहाँ नॉर्थ बंगाल बीजेपी का हाथ में आ चुका है, अच्छा रिजल्ट वहाँ से मिला है, वहीं जंगल महल जिसको कहा जाता है, जहां से तृणमूल एक बहुत बड़ा एक सीट मिलता था पहले उसको, वो जब लोकसभा चुनाव के बाद तृणमूल का यहां पे बहुत घाटा हुआ और बीजेपी को मिला, तो ये जगह पे संगठन को और भी स्ट्रांग करना चाहते हैं अमित शाह। ये मंजर लेके वो आज यहां पे आ रहे हैं, और ये मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं, एक बार फिर आपको दिखा देंगे, यहां रविंद्र भवन है और यहां पे जितने भी सांसद हैं वो यहां पे पहुंच रहे हैं। अमित शाह यहां पे 11:30 पहुंच जाएंगे। आज दिन का कार्यक्रम अगर आप पूछेंगे तो यहां पे एक मूर्ति है, वहां पे वो माल्यदान करेंगे, उसके बाद यहां पे मीटिंग करेंगे। यहां से 13 किलोमीटर दूर एक आदिवासी गांव में वो जाएंगे, ये उनका रिवाज रहा है, कहीं पे अगर वो जाते हैं तो जहाँ पे जाते हैं वहीं पे वो आदिवासी के साथ या तो जो डाउन ट्रॉडन पीपल है उनके साथ लंच करते हैं। तो यहाँ करके फिर शाम को यहाँ पे मीटिंग करके आज वो निकल जाएंगे यहाँ से, फिर कल कोलकाता में उनका बहुत सारा कर्मसूची है, वो दक्षिणेश्वर मंदिर जाएंगे। लेकिन अभी के लिए अमित शाह यहाँ पे आएंगे, इसीलिए पूरा इंतजाम किया गया है, रविंद्र भवन जो कि सरकारी भवन है, और पूरा यहाँ पे इंतजाम किया गया है ताकि यहाँ पे कोई मक्खी भी अंदर ना जा सके। कैमरामैन आनंदो के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष, बांकुड़ा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।